स्विगी इज अ थीफ। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में स्विगी से खाना मंगाया है, स्विगी से फूड ऑर्डर करा है, तो आप में से मेजॉरिटी लोग ये बोलेंगे कि हाँ, हमने अपनी कभी ना कभी लाइफ में स्विगी से फूड ऑर्डर करा है या स्विगी से ग्रोसरीज ऑर्डर करी है। और अगर ये बात सच है कि आपने कभी अपनी लाइफ में स्विगी से ऑर्डर करा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, बिकॉज स्विगी ने एक बहुत बड़ा स्कैम करा है रिसेंटली, जिसकी वजह से एक इंसान को मोर देन 80,000 रुपीज का स्कैम हुआ। सो If you are a customer of Swiggy and you order things from Swiggy frequently, then this video is for you. Please make sure कि इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपने को इस स्कैम से बचा सकें। Ladies and gentlemen and the students of business, हम सबको पता है कि इंडिया में फूड डिलीवरी स्पेस की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो मेजर प्लेयर्स निकल कर आते हैं, जिसमें से एक है Zomato एंड द सेकेंड वन इज Swiggy। एंड Swiggy इतना बड़ा बन चुका है ऑलरेडी इतने अपने पास के कुछ सालों में कि Swiggy इज ऑलरेडी वैल्यूड ओवर $1 billion, मतलब सामने वाली कंपनी एक ऑलरेडी यूनिकॉर्न स्टेटस पे बैठी हुई है। अब जब एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 billion के ऊपर है, जिसके पास लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, लाखों ड्राइवर्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें लगता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी है तो ट्रस्टेबल होगी, हम ट्रस्ट कर सकते हैं, सामने वाला हमारे साथ कोई ब्रीच नहीं करेगा, कोई स्कैम नहीं करेगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि दिस इज एग्जैक्टली नॉट ट्रू। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। आपने ज्यादातर आपने देखा होगा कि स्विगी से क्या मंगाते हैं लोग, स्विगी से जनरली लोग फूड मंगाते हैं, राइट। स्विगी को जाना जाता है कि दिस इज अ फूड डिलीवरी कंपनी। रिसेंटली स्विगी ने अपनी FMCG में नॉर्मल जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी आइटम्स होते हैं, उसका बिजनेस भी स्टार्ट करा। अगर आप अपनी स्विगी के आपको इस टाइम पर ओपन करके देखते हैं तो स्विगी में आपको इंस्टा मार्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप ग्रोसरीज भी ऑर्डर कर सकते हैं। का मतलब यह हो गया कि स्विगी इस टाइम पर दो प्राइमरी बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, जिसमें से पहला वाला है फूड डिलीवरी, सेकेंड वाला है ग्रोसरी डिलीवरी। बट वॉट इफ आई टेल यू कि स्विगी का एक तीसरा बिजनेस भी है, तीसरा अल्टरनेटिव बिजनेस भी है, और वो भी स्विगी के ऐप पर ही लिस्टेड है। शायद से आपने यूज ना करा हो, बट दैट इज एक्चुअली ट्रू कि स्विगी का एक तीसरा बिजनेस भी है, विच इज बेसिकली स्विगी जिनी। Now, what is Swiggy Genie? Swiggy Genie is basically a courier service, pick and drop service. कल को मान के चलते हैं आप ऑफिस में हैं, आप अपने घर से निकलते हैं और आप अपना जो टिफिन बॉक्स है वो घर पर भूल जाते हैं। You reach to the office और आपके पास अभी इस टाइम पर आपको याद आया ऑफिस में कि आपका टिफिन तो घर पर ही रह गया, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ काम की चीज थी जो आप अपने घर पर भुलाए और इस टाइम पर आप अपने ऑफिस में आ चुके हैं, तो क्या करोगे? Now, Swiggy provides a facility कि आप Swiggy Genie के थ्रू अपने उन डिलीवरी वही करता है कि वो डिलीवरी राइडर्स को भेज देगा, आप उनके थ्रू अपना कोई भी पार्सल, कोई भी कुरियर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सामान वहां से डिलीवर करवा सकते हैं अपने ऑफिस तक कहीं पर भी। मतलब ये बेसिकली एक वेरी हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म है कि आप खाने के बजाय, ग्रोसरी के बजाय कोई भी आइटम अपने घर से या किसी ऑफिस से या किसी फ्रेंड के ऑफिस से अपने तक मंगवा सकते हैं। दिस इज अ फैंटास्टिक सर्विस, राइट। आप में से मतलब हमारे साथ ये अक्सर लाइफ में होता है कि हमने कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं भूल के आ जाते हैं और हमें लगता है कि वापस जाना पॉसिबल नहीं है तो कैसे करा जाए। तो स्विगी ने इसी लूप होल को पकड़कर एक बिजनेस बना दिया जिसका नाम रखा गया स्विगी जीनी, अ पिक एंड ड्रॉप सर्विस। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या ये स्विगी जीनी पूरा का पूरा सेफ है? क्या मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूं अपने सामान के साथ? और अगर मैं कोई सामान अपना मंगवा रहा हूं, कैन आई ट्रस्ट दीज पीपल, कैन आई ट्रस्ट द राइडर्स कि वो मेरा सामान सेफली लेकर आएंगे? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी चीज, एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है जो कि स्विगी ने रिसेंटली करी एक कस्टमर के साथ। हमें अक्सर ये चीज सुनने में आती है, दिन रात ये न्यूज आती है कि स्विगी के राइडर्स जो है, Zomato के राइडर्स जो है, जब हम कोई खाना ऑर्डर करते हैं, तो काफी बार ऐसी वीडियोस मार्केट में निकल कर आई कि सामने वाले ड्राइवर्स ने कुछ खाने के साथ मैनिपुलेशन कर दिया, बॉक्स खोल दिया, खुद कंज्यूम कर लिया, कुछ कस्टमर से बदतमीजी कर दी, वगैरह वगैरह। दिस हैज बिकम कॉमन नाउडेज विद Zomato एंड स्विगी। प्लस काफी बार ऐसा भी निकल कर आया कि आपने स्विगी Zomato से कोई खाना मंगाया और उसकी जगह पर कुछ और ही आ गया। आपने कोई ग्रोसरी ऑर्डर करी तो उसकी जगह पर, फॉर एग्जांपल, मैंने कोई दाल का पैकेट मंगाया और मुझे उसकी जगह पर कुछ और ही आइटम मिल गया। नाउ दिस हैज आल्सो बिकम वेरी कॉमन, क्योंकि इतनी सारी डिलीवरीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं यार गलती का स्कोप बच जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहां पर एक बहुत मेजर इशू और निकल कर आया, और इस बार ये इशू निकल कर आया स्विगी जीनी के साथ। फॉर एग्जांपल, मान के चलो
मैं एक कस्टमर हूं और मैं इस टाइम पर अपने ऑफिस में हूं और मेरा एक पार्सल घर पर रह गया है और उस पार्सल को मुझे मंगवाना है अपने ऑफिस तक, तो मैंने स्विगी के ऐप ओपन करी और मैंने स्विगी जिनी से अपना वो पिक एंड पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन डाला और मैंने मेरा जो ड्राइवर था, जो स्विगी का ड्राइवर था, वो आया, वो घर पर आया, उसने अपना डॉक्यूमेंट या जो भी पार्सल था वो पिकअप करा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पार्सल मेरे पास लेकर आएगा। बट गाइस, व्हाट इफ वो बंदा उस पार्सल को लेके गायब हो जाए और हो सकता है उस पार्सल की वैल्यू 5 रुपए हो या हो सकता है उस पार्सल की वैल्यू 5 लाख रुपए हो। सोच के देखो, आपने अपनी कोई प्रेशियस चीज, कोई प्रेशियस डॉक्यूमेंट, हो सकता है कोई वो ज्वेलरी का आइटम हो सकता है वो कैश का बंडल हो सकता है वो कुछ भी चीज हो, आपने वो मंगवाई स्विगी के थ्रू और सामने वाला ड्राइवर गायब हो गया, पता ही नहीं चला कि वो कहां गया, उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, स्विगी कस्टमर केयर कॉल कर रही है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, देन इन दिस केस व्हाट एग्जैक्टली विल यू डू? रात के 2 बजे एक कस्टमर ने, ये दिस इज अ रियल स्टोरी दैट हैज बीन हैपेंड इन द पास्ट फ्यू डेज, एक कस्टमर ने रात के 2 बजे एक एप्पल वॉच का स्विगी जीनी से कुछ पिक एंड ड्रॉप सर्विस मंगवाया। सामने वाले का एक फ्रेंड था जो कि एप्पल वॉच उसके घर पर छोड़ गया था, तो उसने स्विगी जीनी के थ्रू ये बोला कि मुझे इस एप्पल वॉच को पिक करवाकर अपने फ्रेंड के पास डिलीवर करवाना है क्योंकि ये उसकी वॉच है। स्विगी का एक ड्राइवर आता है, वो ड्राइवर रात के 2 बजे आता है, वो स्विगी जीनी का ही ड्राइवर था, स्विगी का ही ड्राइवर था, सामने वाले ने उस घर पर आकर उस एप्पल वॉच को पिक कर लिया। नाउ उनको लग रहा है कि ये वाला तो मेरा जो पार्सल है, जब ये पिक हो गया तो ये ड्रॉप भी हो जाएगा, बट सामने वाले स्विगी के डिलीवरी पार्टनर ने दोनों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए, पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां गया कहां नहीं गया, एंड 83,000 रुपीज की एप्पल वॉच को लेकर रात के 2 बजे सामने वाला फरार हो गया। अब यहां पर जो यूजर्स थे, जो कस्टमर्स थे, वो परेशान हो रहे हैं कि इतना महंगा सामान यार ऐसा कैसे हो गया कि चोरी हो गया, that too with such a trustable brand like Swiggy। सामने वालों ने स्विगी पर कंप्लेन करी, कस्टमर केयर पे कंप्लेन करी। अब ये चीज इतनी मोटी चीज थी, इतनी प्रेशियस चीज थी और इतना महंगा आइटम था, दे वांटेड एन इमीडिएट एक्शन। पता चले सामने वाला शहर छोड़ दे, सिटी छोड़ दे, कहीं बाहर चला जाए, तब तो गेम ही खराब हो जाएगा। सामने वालों ने स्विगी के कस्टमर केयर पे कॉल करी, कंप्लेन करी, उन्होंने चैट बॉट के थ्रू, उन्होंने जो AI चैट बॉट होता है उनके थ्रू कंप्लेन डाली और स्विगी का कस्टमर सपोर्ट देखो आप, सामने वालों ने बोला प्लीज सेंड अस अ मेल, आप अपना मेल कर दो डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ कि हमें ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, हम एक्शन लेंगे, हम प्लान करेंगे एक्शन लेने का। नाउ दिस इज सच अ टेरिबल पार्ट कि आप एक वैल्यूएशन, आप एक यूनिकॉर्न कंपनी पर बैठे हुए हो और आप अपने कस्टमर्स का इस तरीके से ध्यान रख रहे हो, तो सामने वालों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया इस इमीडिएट कंप्लेंट के अगेंस्ट। जब ये चीज उन लोगों ने ट्वीट करी तो ट्विटर पर लोगों ने बोला कि एप्पल वॉच में तो ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, व्हाई डोंट यू ट्रैक योर एप्पल वॉच विद योर आईफोन? तब जाकर इन यूजर्स ने ट्रैकिंग के थ्रू उस डिलीवरी पार्टनर तक पहुंचे, वो डिलीवरी पार्टनर स्विगी के वेयर हाउस में ही छुपा हुआ था रात में, दीस कस्टमर्स रीच दैट वेयर हाउस, अपनी वॉच ली, तब जाकर ये पूरा सिनेरियो कंट्रोल में आया। कितनी बड़ी बात है ये एक इतने बड़े ब्रांड के साथ कि सामने वाले ने एक तो भाई साहब अपने डिलीवरी पार्टनर का ध्यान नहीं रखा, डिलीवरी पार्टनर ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, उसके बाद जब कस्टमर कंप्लेन करना चाह रहा है, आप तक पहुंचना चाह रहा है, तो आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, दैट टू विद सच अ वैल्यूएबल आइटम 83,000 रुपीज। ये एक बहुत बड़ा लेसन मिला है आज हमें कि सामने वाले के ऊपर, चाहे कितना ही बड़ा ब्रांड है, कितना ही बड़ा नाम है, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दीज ब्रांड्स ब्लाइंडली। अपने को कुछ नहीं पता बैकएंड पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, प्लीज बी सेफ। ये जो स्विगी जिनी की सर्विस है ना, पिक एंड ड्रॉप, ये काफी सारी और कंपनीज, काफी सारे और स्टार्टअप्स भी प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल डनजो, लॉट ऑफ दीज कंपनीज प्रोवाइड दीज पिक एंड ड्रॉप सर्विस, तो इसको ना अगली बार जब यूज करोगे तो प्लीज ध्यान से यूज करना। आज मैंने ये वीडियो इसलिए ही बनाई थी कि आप लोगों को अवेयर करा जा सके कि मार्केट में चल क्या रहा है। स्विगी जीनी को अगर आप यूज करें, पहली बात तो ट्राई टू अवॉइड, अगर मतलब कर पाते हो तो, और अगर मजबूरी में करना भी पड़े ना, तो मेक श्योर कि कोई आइटम इतना ज्यादा वैल्यूएबल ना हो कि कल को अगर खो भी जाए तो आपको परेशानी ना हो, आपको लॉसेस ना हो। व्हाट इज योर इनटेक ऑन दिस एंटायर एनालिसिस? क्या आपको लगता है कि ये स्विगी की साइड से जस्टिफाइड है कि सामने वालों ने कुछ करा ही नहीं इस कंप्लेंट को लेके? व्हाट इज योर इनटेक और व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दिस एंटायर थिंग? Do comment your opinion and let me know. Thank you.